नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके एक कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं पालन करने पर आपको जुर्माना और सजा भी हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों। आपकी गाड़ी गलत तरीके से और गलत जगह पर पार्क है तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान कर रही है या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी की जा सकती है। ये तो थी ट्रैफिक नियमों से जुड़ी कुछ कानूनी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानूनी जानकारी देंगे। अगर आपका ट्रैफिक नियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और चालान वसूली से जुड़े नियम कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है परमानंद जी हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर। उसी से जुड़ा सवाल और उसी से जुड़ी शुरुआत हम करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है और क्यों इसको लाने की आवश्यकता पड़ी? बहुत ही समीचीन सवाल है कि मोटर व्हीकल एक्ट की क्या जरूरत पड़ी और क्यों इसे लाया गया है। वास्तव में सड़क पर चलना निरापद हो, आरामदेह हो, किसी को कोई परेशानी न उत्पन्न हो और ठीक ढंग से आवागमन हो, इसी नाते जो मोटर व्हीकल एक्ट को लाया गया। और मोटर व्हीकल एक्ट आज का नहीं है, वास्तव में पहला मोटर व्हीकल एक्ट भारत में 1914 में आया था। जी जी। लेकिन उसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। अंतिम जो हमारे पास एक्ट का संशोधन आया है वो 2019 में आया है। तो 2019 का एक्ट ही अभी हमारे पास लागू है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सड़क पर चलना निरापद हो, चाहे आप किसी भी वाहन से चल रहे हों या पैदल चल रहे हों, आपके यात्रा में कोई खलल न पड़े, निरापद हो, परेशानी से बचे रहें, यही मुख्य उद्देश्य है मोटर व्हीकल एक्ट का। बिल्कुल। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की, तो वो कैसे और कितनी तरह के चालान वसूलती है? जैसे हम बात करें ऑन द स्पॉट चालान होता है, नोटिस चालान या कोर्ट का चालान, तो ये कितनी तरह के होते हैं सर? ये चालान तो जो आपने बताया तीन ही तरह के होते हैं। एक ऑन द स्पॉट चालान होता है, आप उनसे दीजिए और दे करके आप पर्ची लीजिए और चल दीजिए, वो कुछ कुछ चीजों में होता है। तौर पर जैसे आपने रॉन्ग साइड से किया है या आप ओवर ट्रैफिक ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या जंप किया है ट्रैफिक लाइट को, तो इन सारी चीजों पर। लेकिन अगर आप मान लीजिए वहां से चले गए हैं तो पुलिस आपकी चीजों को नोट करेगी, आपके वाहन का नंबर नोट करेगी और फिर उसको कोर्ट में भेज देगी। तो वहां से नोटिस आपको आएगा कोर्ट से कि आपकी पेशी इस दिन के लिए है। नोटिस दो तरह के होते हैं, एक तो यह है कि आप थाने से नोटिस आएगा, माने ट्रैफिक पुलिस के थाने से, जहां से आपको आएगा और आपकी सुनवाई होगी और आप उस पर अपना जो बताना होगा बताइए और नहीं तो चालान भरिए और फिर मुक्त कराइए। और दूसरा नोटिस होती है जो कोर्ट से होती है। अगर आपने ट्रैफिक पुलिस के नोटिस को ध्यान नहीं दिया तो ट्रैफिक पुलिस उसको नोटिस को कोर्ट में फॉरवर्ड कर देती है, न्यायालय को भेज देती है और न्यायालय आपको नोटिस देता है, उस पर आपका जाना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक समन की तरह से नोटिस को मान लीजिए, एक समन है आपके पास जिसका अनुपालन करना आवश्यक है आपके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परमानंद जी, जब हम गाड़ी चलाने या गाड़ी को लेकर चलान की बात करते हैं तो नशे में गाड़ी चलाने पर जो सजा है वो क्या हो सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं।
वास्तविकता यह है कि भारत में अधिकांश जो एक्सीडेंट होते हैं ज्यादातर वो नशे की हालत में चलाई गई गाड़ियों से। और आप देखेंगे कि ये कौन सा जिसको एक शब्द है अंग्रेजी में वी आवर या गोल्डन टाइम, माने जब सूरज जैसे निकलने वाला होता है या सूरज निकलने के एक दो घंटा पहले लोग नशे की हालत में होते हैं तो नींद में आते हैं तो पी लेते हैं तो चलते हैं, फिर वह उनको पता नहीं होता कि किस ढंग से ट्रैफिक का वायलेशन किया जाए, कई चीजें और भी रहती हैं जिसके कारण वह एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े उठा के देख लीजिए तो आपको लगेगा कि नशे की हालत में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी नाते सरकार ने कानून जो बनाया है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके तहत नशे की हालत में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है और उसमें जुर्माना भी ज्यादातर लगाया गया। और नशे की हालत में अगर उसका जांच कराए जाने पर पता चलता है कि आप एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आप नशा किए हुए हैं तो उसमें चालान तो होगी, जांच कराने के बाद आपको चालान ही नहीं पेनल्टी नहीं बल्कि जेल भी होगी, सजा भी आपको मिलती है ऐसे में। सजा तो एक, दोनों एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बात जारी करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या सवाल है? सीकर जिले में खंडेला एक जगह है, वहाँ पे मेन जो बाजार है मेगा हाईवे जो जयपुर से झुंझुनू रूट पे रोडवेज की बसें चलती हैं और प्राइवेट बसें चलती हैं, तो मेन बाजार में दोनों तरफ जो प्राइवेट टैक्सियां हैं अनऑथोराइज वो दोनों तरफ मतलब दुकानों के आगे तिरछी खड़ी रखते हैं लंबी कतार में, जिससे ना तो आम जनता को जाने आने का रास्ता मिलता है, उधर से सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, ट्रैफिक एकदम जाम रहता है, तो पुलिस भी सुनाई नहीं करती और नगर पालिका भी नहीं सुनाई करती, तो ये किस को इसकी कंप्लेंट करें? पवन जी आपका ये एक समस्या आपकी जो है ये केवल आपकी समस्या नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पूरे भारत में हर जगह करीब करीब पाई जाती है कि ट्रैफिक का कायदे से पालन नहीं किया जाता, अनुपालन नहीं किया जाता है। इस नाते मेरा आपसे सुझाव यही है कि आप वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को तो इसकी सूचना लिखित में दे ही दें, आप वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एसपी को भी इसकी सूचना दीजिए और लिखित में दीजिए, और लिखित में देने के बाद आप एक आर्टिकल लगाइए कि ये हमारी सूचना के बाद इस पर क्या कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई का अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाइए और ट्रैफिक पुलिस को भी उसका जवाब देना पड़ेगा और पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों? दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस और ऑर्डिनरी पुलिस दोनों में अंतर होता है। अगर कहीं लगातार किसी जैसी जगह पर जो है ट्रैफिक का वायलेशन ना हो और लोग ट्रैफिक रोके हुए हैं तो यह ट्रैफिक पुलिस के बजाय वहां की लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि इसको पूरा कराए, और लोकल पुलिस अगर इसने कार्य में कोताही बरतती है उसको ठीक ढंग से लागू नहीं कराती है तो आप वहां के एसपी को इसकी सूचना दीजिए और कंप्लेंट करिए, उसकी रसीद लीजिए, रसीद लेने के बाद एक आरटीआई लगाइए कि हमारी इस कंप्लेंट पर क्या हुई, शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप इस मामले को कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट में जाने पर उसका कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि ये जो समस्या बता रहे हैं ये आए दिन लगातार देखने को मिलती है हर जगह पर, जहां कॉलोनी बनी हुई है जहां पर लोगों के मकान बन लेते हैं मकान के सामने लोग पार्किंग लगा देते हैं, पार्किंग करते हैं अनऑथराइज पार्किंग है और पार्किंग का कुछ नहीं, वो लोकल पुलिस को कुछ पैसा रुपया लेकर के और वहां पर वो गाड़ी को पार्क करते रहते हैं जिस लोगों को आए दिन असुविधा होती रहती है। तो इस असुविधा को तोड़ने के लिए इस असुविधा को खत्म करने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, थोड़ा एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इससे निजात मिलेगी, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। अब परमानंद पांडे जी अगर हम बात करें पुलिस वालों की तो क्या पुलिस वाले किसी भी व्हीकल को जब्त कर सकते हैं, किन स्थितियों में ऐसा हो सकता है? जी आपने एक सवाल उठाया, पुलिस किसी व्हीकल को जब्त नहीं कर सकती, व्हीकल को जब्त करने का उसका अधिकार है, तब नहीं अधिकार तभी है ऐसे किसी को चलते हुए किसी को ले ले और जब्त कर दे ऐसा नहीं है। पुलिस में अगर को पुलिस को ये पता चलता है कि इसमें कोई अवैध सामान स्मगलिंग की चीज लेके जा रहे हैं तो उसको वो जब्त कर सकती है। उसको अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इन परिस्थितियों में पुलिस को जब्त करने का अधिकार है, लेकिन
अगर और ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पीयूसी माने प्रोविंस पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट है और पूरी तरह से आपके पास आरसी है, तो पुलिस कतई उस चीज को जब्त नहीं कर सकती है, उसको जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थितियों में आप उसको एक जिसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे सकते हैं और कोई चीज नहीं दिखा सकते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? उसके सामने चारा यही है कि आप उसको जब्त करेंगे और जब्त करने के बाद ले जाएंगे, फिर आप उसको छुड़ा के ले आइए। ये स्थिति है। अब ट्रैफिक लाइट की अगर हम बात करें, उसको ना मानने पर किस तरह का सजा, किस तरह का जुर्माना? क्योंकि अक्सर ये वाला जो रूल है वो तोड़ देते हैं लोग, कई बार फॉलो नहीं करते, तो इस पर क्या सजा का प्रावधान है? पहले तो इस पर सजा का बहुत कम प्रावधान था, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा उल्लंघन इसी बात का होता है कि लोग ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, और वो एक इडियम आपने सुना होगा ना कि फ्लो विद ट्रैफिक वाली भी बात करते हैं। जैसे एक ट्रैफिक चल रहा है और वहां येलो लाइट हुई, और येलो लाइट होने के बाद फिर रेड लाइट होने में अगर 2-4-5 सेकंड की देरी है तो एक ट्रैफिक मूव करने लगता है, उसी में कहते हैं लोग हमको अपना भी निकाल देना। बिल्कुल, बिल्कुल। यह निश्चित तौर पर गलत है कि जब ही आपको येलो लाइट हो गई है, तो पीली लाइट हो गई है, तो ही आप उसको रोक दीजिए। और अगर आप नहीं रोकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को पूरी तरह से अधिकार है कि आपका वो चालान करे। और चालान के लिए पहले तो बहुत कम था, पहले तो 100 रुपया देने के बाद होता था, लेकिन आजकल 500 रुपये उससे चालान भरने पड़ते हैं। और कई राज्यों में अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ये सेंट्रल लॉ है, तो सेंट्रल लॉ में 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक लाइट आपको तोड़ने का दंड यही है कि ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया है तो आपको इतना दंड देना पड़ेगा। ये जरूरी है, अगर इसको आप पूरा नहीं करते हैं तो पुलिस उसको चालान आपको करेगी, नोटिस आपके पास जाएगा, ट्रैफिक पुलिस के नोटिस जाएगा, आप उस ट्रैफिक पुलिस के नोटिस के बाद जाएंगे, फिर उसको करके सब जा करके आप उसको छुड़ा के ले आएंगे। अन्यथा अगर आपने उस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया तो ये नोटिस सीधे कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट से आपको इसके बारे में जो पेनल्टी कोर्ट लगाएगी, इसके अलावा भी पेनल्टी कोर्ट को लगा सकती है, और आपको छुड़ा के ले आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सड़क पर चलते समय कोई भी ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर पेपर्स दिखाने की मांग करता है, तो क्या हम उसे मना कर सकते हैं? क्या किसी भी आम नागरिक के पास अधिकार है? सामान्य तौर पर तो ये मान के चला जाता है कि ट्रैफिक पुलिस अपने नियमों का पालन करते हुए ये देख रही है कि आपके पास कागजात हैं कि नहीं है, तो लोग आम तौर पर इसको दिखा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नहीं भी है तो भी आप उस चीज को कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इस समय नहीं है, आप उसको भेजिए, नोटिस भेजिए, और हम आपको बाद में दिखा देंगे, हमारे पास सारे कागजात हैं, और आप जो देखना चाहें, आप जो नोट करना चाहें उस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दिखा देंगे। पुलिस इस ढंग से नहीं कर सकती है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको गाड़ी को जब्त कर ले, ऐसा कोई अधिकार पुलिस के पास नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। बिल्कुल। गल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों की, क्या कुछ ट्रैफिक नियम जिनको फॉलो करना होता है और क्या कुछ आपके अधिकार हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं परमानंद जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार भी नहीं होता, इसके बारे में भी बताइए। उसको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, केवल आपको उसका चालान काटने का अधिकार, जिसको कहते हैं चालान काटने का अधिकार है, और या चालान के सूचना देने का अधिकार है कि आप उसको भेज दे अपने ट्रैफिक पुलिस के पास वहां पर स्टेशन पर, और वहां से अगर नहीं हो पाता तो कोर्ट में भेज दे। एक चीज का और मैं खास तौर पर यह ध्यान दे दूं कि आपने पहले ही सवाल उठाया था कि जो ड्रंक ड्राइविंग नशे की हालत की बात है, तो नशे की हालत में आजकल ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार है कि वह पहले ये रेट था 2000 रुपए उसका फाइन थे, लेकिन अब 10,000 रुपए फाइन होता है, 10,000 रुपए फाइन देना पड़ता है ड्रंक ड्राइविंग माने नशे की हालत में चलाने पर। इसका भी चालान अगर आप स्थिति में हैं तो आप चालान के बारे में ट्रैफिक पुलिस आपको वहां देगी, नहीं तो आपका चालान वो ट्रैफिक पुलिस के पास होगी, और ट्रैफिक पुलिस अगर आप उसको नहीं पूरा करते हैं तो वहां कोर्ट में जाएगी। ये स्थिति है कि कोर्ट में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर ले, पुलिस को यह अधिकार भी नहीं है कि आपकी चीज को जब्त कर ले, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई स्मगलिंग का सामान लेके जा रहा है, पुलिस को यह पता चल गया है
कि ये आदमी स्मगलिंग का सामान लेके जा रहा है, तो उस स्थिति में वह चाहे तो व्हीकल को जब्त कर सकता है और ये प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में कि उस चीज को जब्त कर ले, क्योंकि ये एक बहुत ही गैर कानूनी काम है। या कोई व्यक्ति मान लीजिए लेके जा रहा है और उसमें हथियार लेके जा रहा है, ऐसे हथियार लेके जा रहा है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, जिसमें आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं, तो उस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को भी अधिकार है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और लोकल पुलिस आकर के उसमें अरेस्ट करेगी, ये सूचना देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को आज सच कोई अधिकार नहीं है कि उसको आपको गिरफ्तार कर ले या उस गाड़ी को जब्त कर ले। अब जब ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक नियमों की हम बात कर रहे हैं परमानंद जी, तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जो पेनल्टी होता है वो कौन वसूल सकता है, किसको अधिकार है कि पेनल्टी आपसे वो लेगा? पूजा जी, ये तो ये है कि ऑन द स्पॉट कई बार होता है, आप देखेंगे ऑन द स्पॉट वहां पर आपको आप दीजिए उसकी रसीद वो देते हैं और वो सील करते हैं, वो फिर जमा कराते हैं ट्रेजरी में ले जाकर के। लेकिन अगर वहां आप ऑन द स्पॉट नहीं ले जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाकर के, पुलिस स्टेशन माने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, वहां पर ले जाकर के आप जमा करिए, वो भी ट्रेजरी में जाता है, वहां पर जाता है, या तो कोर्ट करेगा, तो कोर्ट अगर उस चीज को करता है तो कोर्ट भी उसके कोर्ट के ट्रेजरी में आपको ट्रैफिक चालान को जमा करना पड़ता है, वो ऐसे वसूल करने के बाद वो ट्रेजरी में ही आपका फाइन जाती है, फाइन वसूल करके, ऐसा नहीं है कि कोई रख ले कहीं पर किसी कार्य के लिए, उसको ट्रेजरी में ही जमा कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? ये हमारी प्राइवेट कार है, इसमें क्या वो अग्निशमन यंत्र वो जो है सिलेंडर रखना जरूरी है क्या? मेरी समझ से तो श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं है कि आपको अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनियां बनाती हैं अगर वो अग्निशमन यंत्र आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर लगा के दिया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो हर सुरक्षा अच्छी होती है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, नहीं तो कंपनियों की जिम्मेदारी होती है, वो देखें कि इस ढंग के अगर स्थिति आ रही है तो आपको के बारे में वो बना करके ही दें। लेकिन अभी तक तो ये स्थिति नहीं है कि अग्निशमन यंत्र लगा करके ही आपको गाड़ी में चलना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून में मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं दिया हुआ है। ठीक। अगर परमानंद जी अगर हम बात करें और ज्यादा जो ट्रैफिक नियम है जब कठोर हो जाते हैं, किसी की गाड़ी के नीचे आकर अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उस पर सजा का प्रावधान क्या है? देखिए दो चीजें हैं, एक्सीडेंट और मर्डर, किलिंग, दोनों आपको ध्यान दे लीजिएगा, ये तो 279 में हुआ या ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई। मर्डर का मतलब होता है कि वो जानबूझ करके किसी ने किसी की हत्या की और किसी आदमी कोई किसी की गाड़ी के नीचे आके मर जाता है तो ये मर्डर नहीं कहा जाएगा, ये एक तरह का आप समझिए कि मशीन की फेलियर हो गई या व्यक्ति की लापरवाही से हुआ, या हो सकता है वो शराब पिए हुए हो या नशे की हालत में हो, ऐसी स्थिति में हो गया हो, तो दोनों की तुलना उससे आप नहीं कर सकते हैं कि किस कारण से हुई है। इसी नाते अगर किसी के गाड़ी के नीचे कोई आके मर गया है तो उस हालात में सबसे कहते हैं न्यूनतम आपको पेनल्टी किसी को देनी पड़ती है, तो उसमें पनिशमेंट जो है आपको पेनल्टी 25,000 रुपए कम से कम दी जाती है और 6 महीने तक की सजा होती है, और धारा 279 के तहत, 279 के तहत कोर्ट में मुकदमा चलता है। अगर ये पाया जाता है कि ये व्यक्ति की गलती के कारण ये दुर्घटना हुई है तो उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, वरना कई बार आप देखेंगे कि जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर की गलती से ही नहीं बहुत घटनाएं होती, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ट्रैफिक को जो सड़क को पार करते हुए न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं और वो नीचे आ जाते हैं, तो हर बात में केवल ड्राइवर की ही गलती दी जाए ऐसा नहीं है, लोगों की दूसरा भी, इसको कहते हैं लॉ में एक शब्द है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वो नेग्लिजेंस आपका जो है आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उस कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आपके नेग्लिजेंस के कारण वो एक्सीडेंट हुआ है, तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है और अगर कोर्ट ने पाया कि वाकई इस व्यक्ति की गलती है तो उस पर आपको वो उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा
सकती है। और जहां तक कंपनसेशन की बात है तो वह थर्ड पार्टी कंपनसेशन देना पड़ता है, जैसे अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई है तो कम से कम 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है, और वह व्यक्ति की देखा जाता है कि अगर उसकी कमाने की क्षमता, अगर परिवार में अकेला है, उसकी उम्र कम है और उसके वेतन ज्यादा है और वो ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, तो उस चीज को ध्यान में देख करके कोर्ट और भी राहत बढ़ा सकता है मुआवजे की। बिल्कुल बिल्कुल परमानंद जी, आज आपने बताया हमें ट्रैफिक नियमों के बारे में, अवगत कराया, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जुड़कर आपने जो ट्रैफिक नियमों के बारे में कानूनी जानकारी दी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।